से आपके भाई की कंडीशन क्या है? पैर में 2-3 गोली लगी है, यहाँ ब्लड निकल रहा है, यहाँ से रिफर कर रहे हैं आजमगढ़ के लिए, और वही डॉक्टर है अशोक कुमार विश्वास, उसकी औरत वही गोली मरवा। खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र से है, जहां के लोहरा गांव में एक मनबड़ ने फायरिंग किया है। बता दें कि हिमांशु सिंह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, वो लोहरा गांव का निवासी है और आज सवेरे चौराहे पर चाय पीने गया था। तभी अरविंद सिंह नामक युवक ने, जो कि लोहरा गांव का ही निवासी बताया गया है, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दिया। बता दें कि फायर करने के बाद गोली सीधा हिमांशु सिंह की जांघ में लग गई है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और 112 नंबर पर फोन करके इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अरविंद सिंह को पकड़कर लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर थाने पर ले गई, जहां पर थाना प्रभारी हेमंत कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और घटना की जांच की जा रही है। हम घूम रहे थे चौराहे पे, वो आके वो डायरेक्ट एकदम फायरिंग करने लगा। कौन फायरिंग करने लगा? बब्बू सिंह लोहरा। कोई आपकी आपसी दुश्मनी थी कि वैसे ही आके? कोई नहीं, हम समझ ही नहीं पाए कौन सी दुश्मनी थी। आके क्यों फायरिंग करने लगे? कितनी राउंड फायरिंग किया था? कुछ 4 राउंड। गोली लगे हुए, इसकी कंडीशन क्या है इसके वक्त पे? पेशेंट अभी स्टेबल है, लेकिन उसकी हमारे जो रिकॉर्ड किया हमने 140/80 है, तो बीपी वगैरह और उनके टोटल वाइटल्स के हिसाब से पेशेंट स्टेबल है। बस उसके एंट्री और एग्जिट पुट दोनों प्रेजेंट हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बुलेट शायद बाहर आ गई होगी, लेकिन ये हमारे सर्जन ही इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बुलेट अंदर है या फिर वो बाहर ही आ। सर कितनी गोली लगने की संभावना? अभी एक ही गोली के एंट्री और एग्जिट बुंड है, एक ही गोली लगी होगी इनको, पेशेंट को एक ही गोली है जो एंट्री और एग्जिट बुंड उसके प्रेजेंट है। सर हमारे चौराहे पे बंगाली डॉक्टर है अशोक कुमार विश्वास उसका नाम है, वो उसकी औरत यही इनको आजमगढ़ से बुलाई थी सुबह, और ये आए हैं उधर से, गाड़ी खड़ी की है अपना, हमारा भाई पान की दुकान था उसी खड़ा था। मौके पे वहाँ गांव के लोग प्रधान सब मौजूद थे और ये वहाँ निकले हैं। उसके बाद निकलने के बाद अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाले हैं, रिवॉल्वर निकालने के बाद और उसके पैर में 2-3 गोली मारे हैं। पब्लिक इनको रिवॉल्वर सहित मौके पकड़ ली, उसके बाद वहाँ से फिर 100 नंबर आई, 100 नंबर पर उनको रिवॉल्वर और इनके सहित जो है सुपुर्द किया गया है। टंटन सिंह हिमांशु सिंह के ऊपर उन्हीं के गांव के जो है बब्बू सिंह और हरबिंद सिंह ने गोली चला दिया, तो विवाद है, उसकी जांच की जा रही है। पैर में जंघे में गोली लगी हुई है, घायल अवस्था में वो रिफर हुए हैं, उनके साथ दरोगा सिपाही भी लगाए गए हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।